अस्सलामुअलैकुम। इस हफ्ते की पहली एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, आज से ऑनवर्ड हम शो में बहुत से चेंजेस लेकर आ रहे हैं और वो क्या चेंजेस हैं उस पर बात करेंगे अभी थोड़ी ही देर में। आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और हमारे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, एक कपल जो कि ओवरसीज हैं, लंदन से आए हैं हमारे साथ, और उनके साथ साथ मौजूद हैं लाला। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड। अस्सलामुअलैकुम आफ्ताब, आप इनकी बेगम हैं? जी, मिस्टर एंड मिसेस सुबैयल। और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है, यू नो मैं आपका हर शो देखती हूँ और मुझे नींद नहीं आती आपकी आवाज़ सुने बगैर। मैं सेल्फी ले सकती हूँ? एक सेकंड, मैं जरा शो के बारे में बता दूं। जी, आपने जो चेंजेस कही है ना जी, वो FSJ जी फ्लेवरिंग है जो हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर एक फीचर रिवाइव किया है, वो है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी डिपिक्शन होती थी इस फ्लैंक से। यस, ये मेहमान मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ अटायर्स और गेटअप्स में आया करते थे, तो हमने फिर से वो रिवाइव किया ताकि सोशल इश्यूज को भी हम ड्यू कवरेज एड्रेस कर, सिर्फ कसौटी सेंट्रिक शो नहीं होना चाहिए। ऑल्दो कसौटी लवर्स की भरमार है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर भी, लेकिन वो भी चाहेंगे कि कसौटी के साथ साथ हम सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज, बिटर रियलिटीज ऑफ पाकिस्तान, वो भी डिस्कस करते रहे। क्या ख्याल है FSJ? मैं तो आपको पता है पहले दिन से जी 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 इस पे कहता आया हूँ। तो सर, 25 मिनट की ड्यूरेशन इस सब के लिए कम नहीं होगी? नहीं नहीं, अब हमने वो भी एनहेंस कर दिया। वाह, टाइम तकरीबन 36-37 मिनट, 38 मिनट, हमारी तरफ से 40 हो जाए, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है आप लीनियर चैनल पे जा रहे हैं। जी, लीनियर चैनल पे, ये भी असल खबर ही है और वो फौरन पहुंच गया। That is the news actually. मेरा काम है। वाह वाह। मेरे पांव कितने बरकतों वाले हैं। ये किस यूके से आई हैं आप? अफी, आपने देखा नहीं, वहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। मैं एक्चुअली यहाँ से गई हूँ, शदरे से। नहीं, शदरे बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी सेंसिबल खवातीन भी हो। एक्चुअली मैं सस्ते वक्तों में वहाँ चली गई थी। अच्छा, आप कौन है भाई साहब? असल लाहौर में हमारी एक प्रॉपर्टी थी और हमारी बदकिस्मती है कि ये उसे किराएदार है। नहीं, बदकिस्मती वाला क्या बात है इसमें, अब आपका सामान का मैं हिफाजत कर रहा हूँ। नहीं तो आप कब्जा नहीं छोड़ रहे क्या? वो तो छोड़ भी दे तो कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब? सत्यानाश करता हूँ तेरे ने, पूरे घर का खाना खराब करता। एक कन में शकरकंदी रखी है, एक जो छलियां रखी है उतरे इसने तुम्हारे शोर में। ये नहीं जोगा कि थोड़े तो कुछ भी नहीं रख सकता उतरा। क्या मतलब, क्या मुझे समझ नहीं आई? ये दे कजन का दोस्त है उतरे का। तो है कौन ये? अफगानी है, मेरी जाने जुती कौन है। अच्छा, तो हुआ क्या? इन्हें साढ़े घर का खाना खराब कर छड़िया उतरे ने। अब तो बेखबर अदा सीधा ची माँ दू ना पूरा का सलू पकड़ रही का ना। हमें भी समझाया, मैं ये बोलता हूँ बाजी, हमने अब तक भी इससे घर लिया था किराए पे। अच्छा, तो वो घर खाली था पूरा, मैंने बोला इधर पर ये कर लेते उस कमरे में, वो कर लेते इधर, वो कर लेते इन सारे में कौन सा बड़ा बात है? नहीं तो क्या क्या किया क्या? एक कमरे जिन्हें छलियां शकरकंदी थे पूजे हुए दाने रखे ने। नहीं, ये मतलब स्टॉक किया हुआ है। हाँ, बिजनेस है हमारा, मोर क्या करेगा फिर? नहीं तो बिजनेस, ये क्या बिजनेस है भाई जान? आपको पता नहीं मेरा 80 रेडी चलता है लाहौर में। क्या? 80 लाहौर में 80 रेडी चलता है। 80 रेडीज? ओह यस। अच्छा, एक तो ये हो गया और दूसरे कमरे चौंतरे ने लंडे दे बूट रखे ने उत्ते तक छत नु लगे, मेनू तो ये डर भी किसी दिन अंग्रेज ना निकला वे विचो। अच्छा, और तीसरे में बाकी सारे घर च टायर रखे हुए ने। टायर? टायर क्यों? फाड़दा उतरा लोहा कढ़दा विचो। क्या? ओ भाई जान, हमारा स्टील का बिजनेस भी है। स्टील क्या मतलब? टायर से लोहा निकालते हैं ना तार, वो पिघला देते पर बाद। नहीं तो कैसे लोहा निकालते, कैसे हो? बड़ा आसान है, आग जलाते और कैसे मर जाने है, तभी तो स्मोक नहीं जा रही यार। बहुत तो मैंने क्यों देता मकान किराए पे, मुझे दस है। चलिए, तो मसला क्या, खाली करवा लो। आफ्ताब सब खाली करवाने लगे थे, लेकिन जब से तालिबान की हुकूमत आई है और चौड़े हो गए। अच्छा जी, इनके साथ बातचीत होती रहेगी, कुछ और भी कर लिया जाए? कुछ और नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ। क्या मतलब है आपका? ये आपकी बहुत बड़ी फैन है तो हम क्या करें, उनकी फैन नहीं है, इनकी फैन नहीं है। FSJ के भी बहुत ज्यादा फैन है। कौन है? वो थे 5-7 मेहमा आई है और वो इन अंग्रेज समझ दी अल्लाह की कसम। काफी ये जो आपने वेट लूज किया है, देख उन्हें वेट लूज कर रहे, तेरे को तो सिर्फ लूज ही करना है। आफ्ताब साहब, एक्चुअली आपकी बहुत बड़ी फैन है और मैं चाहता हूं कि मैं आपके जैसा हो जाऊं, तो इसलिए मुझे साथ लेकर आई है। बैठो, मुझे बता उनकी तरह। नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। बैठो, मैं बैठो, बंदा बना के लेके जाना। ये देखिए आप, वापस हो जा, किड्डा भेड़ा लग रहा है, कछू कुमा धुप सेक रहा है। क्या कहने डॉक्टर साहब, चांदी की तोता चढ़ी हुई
मैं खुद अभी जाऊं ना चेंज करके आऊं तो मैं यहाँ पे लांबे ला दूं। नहीं प्लीज आप चेंज करके लांबे ला दीजिए। चेंज करके तो आप वाकई बड़े लांबे ला दें। आप शेड्स तो देखें। एफएचए यू नो ये असली वाली गुची है। हाँ नकली वाली गुची भी होती है। ए बेचता हूँ ना 3 किलो के साथ ना। हम लोग बहुत ज्यादा गुची गुची लेके आते हैं। पूरे छत का खाना खराब किया पाया, पूरी छत काली हुई पई, उसे टायर ही टायर बड़े थे। यार आपको शर्म नहीं आती? आप इनके घर पे क्या जलालत कर रहे हैं और ये पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। भाई जान पैसे देते हैं ना, पैसे इनको मिल रहे हैं। और मजे का दूसरा बात ये कि इनके घर का हम ख्याल भी रखते हैं, कोई उधर आंख उठा के नहीं देख सकते, कब्जे से बच जाते हैं। उसे बो ही नहीं आती, उसे आंख उठा के की देखना है। बस तू मेरे हाथ आ जाए करो, तेरे दसा नहीं फिर। अब तब भी औरत इसकी इज्जत कर रही मैं, वरना तो मैं तेरी मालक मकान भी है, मैं तेन दसा तू विच कर के प्लीज कद नहीं बैठा। दस मैनू पैसे देते पैसे। यार आपको शर्म आनी चाहिए। मैं एक्चुअली प्यार बहुत करता हूँ इनसे, मेरा ना हर करेक्टर ऐसा है कि मैंने पहले मार खानी होती है। नहीं यार मेरी बीवी है, मैं उनसे प्यार बहुत यार मैं समझता हूँ आपका लूज करेक्टर ऐसा है। नहीं आप किसी वजह से उनके काने हैं कि उनकी हर बात बर्दाश्त कर रहे हैं। सारा प्रॉपर्टी यहाँ पर इनके नाम पे, मैं क्या कह सकता हूँ। नाम पे तीन बार भी मैं ही लेके गई हूँ, सारी बातें तो नहीं बता सकता मैं। गदर योर फेस इज शाइनिंग, फ्यूचर ब्राइट बट करेक्टर लूज। ये एक्चुअली ना मेरे पापा 95 में वहां शिफ्ट हुए थे। 1895 आज सुनिए क्या नाम है आपका। डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस सुबैल कयूम जावियान। मिसेस सुबैल प्लीज अगर आप थोड़ा सा टाइम दें तो हम अपनी कसौटी कर लें प्लीज। जी तो आज की पर्सनालिटी हमारी कैफे पेट्रंस की तरफ से है, तो चलते हैं उनकी तरफ। जी जरूर चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सज्जाद शेख। सज्जाद साहब आपका लाहौर से ताल्लुक है? जी बिल्कुल, आपके बहुत करीब से वैलेंशिया से। सज्जाद साहब वेलकम टू द शो, और आप पर्सनैलिटी पूछेंगे? जी बिल्कुल। स्टार्ट कर। जी शेख साहब शख्सियत जिंदा? नो। बहुत सोच के बताया आपने, मशकूक थे। जी मर्द? नो। अरे। एक खातून जो जिंदा नहीं है। एशियाई? नो। ताल्लुक अमेरिका से? नो। यूरोप से? जी। एक यूरोपी खातून जो जिंदा नहीं है। हेजिटेशन दी ना, मैं फॉरन यूके पे जाऊंगा। अच्छा जनाब यूरोप मेनलैंड? मेनलैंड को एक्सप्लेन कर दें। मेनलैंड इज जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, नीदरलैंड्स, हंगरी से भी है। से भी है, से भी है। बुनियादी तौर पे यूके से? नो। नो। देखना वो हमें एक्चुअली डाइवर्ट कर रहे थे, डिविएट कर रहे थे। शेख साहब जान दो प्लीज। देखना मैंने पहले कहा था इतना नाइव ना समझे। हम नाइव नहीं समझते, एक्सपेक्ट भी नहीं करते, लेकिन इस कदर जालिम भी नहीं इन्हें होना चाहिए ना। उनका ना ज्यादा खर्चा हो गया एक्चुअली। अच्छा जी खातून इंतकाल को देखिए, मजाक मजाक में काफी सारे सवाल हो गए, 7 सवाल हो चुके हैं। यूरोपियन है? यूरोपियन। और इंतकाल को 100 साल से ज्यादा, 100 साल से ज्यादा हो चुका है जी इंतकाल को? जी बिल्कुल। गुड, दैट इज 1921 से पहले। 1921 से पहले। अब मुल्क डिटरमिन करें सर। मुल्क भी आए, शोभा भी करना, पहले शोभा कर। ताल्लुक वेस्टर्न यूरोप से? यप। फ्रांस से? फ्रांस। ये फ्रांस है तो मेरे ख्याल से फिर यहां पतो, यहां पतो नहीं हो सकता है। और मिसेस नेपोलियन बोनापार्ट भी हो सकती है, जोसफीन, मैरी एंटोनेट भी हो सकती है, जोसफीन हो सकती है, मैरी एंटोनेट हो सकती है। उसके बाद आपकी दो तो अच्छा मदाम मदाम जिसने कहा था वो लिबर्टी, व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड इन दाई नेम, जिसको गिलोटीन कर दिया गया था, अभी आ जाता है उसका नाम। शुभ भी आ जाए ना, शुभ क्या है, शी कुड बी अ डिजाइनर, यू नो कोको शनेल और सारे हैं। फ्रांस है तो डिजाइनर भी हो सकती है, और सियासत और हुकूमत भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकती है। साइंटिस्ट बहुत कम है सर, बहुत कम। मदाम क्यूरी जो है वो भी 3 ममालिक के साथ स्विट्जरलैंड में चली गई, और पहले हम क्यूरी कर भी चुके हैं। कुड बी अ राइटर आल्सो। अच्छा जी 7 क्वेश्चंस हुए कि 8 सर? 9 हो गए। ताल्लुक शेख साहब सियासत और हुकूमत से? नो। नो। वर्ल्ड ऑफ फैशन? फैशन
लाइफस्टाइल वर्ल्ड ऑफ फैशन से ताल्लुक है? जी बिल्कुल कहा जा सकता है, इनडायरेक्टली फैशन से ही रिलेट कर, इनडायरेक्टली फैशन से ही ताल्लुक है। लाइफ फैशन लाइफस्टाइल प्राडा शराडा, प्राडा भी है, चैनल भी है, चैनल भी है, वो तो खैर चांसलीजे सारी का सारा। 1921 से पीछे जाएं, वी टॉकिंग 19th सेंचुरी, ये भी डिटरमिन कर लें 200 साल हो गए या नहीं हुए, या 150 साल कर लें तो और नैरो हो जाएगा। इंतकाल को 150 साल हो चुका है, 150 साल से ज्यादा। चेक साहब आपका प्रोफेशन क्या है वैसे? प्राइवेट बैंक में रिस्क मैनेजर। पाकिस्तानी बैंक में रिस्क मैनेजर रिस्क लेता ही नहीं है, बैंक तो मैनेज क्या करना है, सारे का सारा पैसा जो है ट्रेजरी से आता है 44% और प्रॉफिट, और प्राइवेट बैंक्स उस स्टेट बैंक में ट्रेजरी में प्लेसमेंट करके वहां से कमाते हैं। सर अब उनके ट्रेड सीक्रेट्स तो ना पूछें। टेक साहब इन्होंने कोई चीज इजाद की थी? इस पे मैं क्लियर नहीं हूं, लेकिन व्हाटएवर शी डिड वाज द वेरी फर्स्ट टाइम, यस यू कैन आल्सो से दिस, कह सकते हैं आप। फर्नीचर की तरफ मेरा ज़हन जाता है, क्योंकि फ्रेंच फर्नीचर काफी लोग हैं डिजाइनर्स। नहीं सर, मेकअप की तरफ जाइए सर, और प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाइए। फर्स्ट टाइम इन्वेंशन मुझे लग रहा है कि या तो कोई फैब्रिक है या कोई लेदर की ट्रीटमेंट है, इस किस्म की कोई चीज़ है। तो मेरे जेन में आता है कि जी वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लेदर ट्रीटमेंट है। उल्टा लेदर इज स्वेड, लेकिन यूसेज उसका किसी ने शुरू किया पहली दफा? सर इवन देन मतलब है कि एक अननोन बंदे बंदी ने पहली दफा जो किया, दैट डज नॉट क्वालिफाई, मारूफ नहीं होता। सर ये किसी चीज का मशहूर मेक है जो इस वक्त भी है ना, जो मेक है, लुई विटॉ है, और जैसे लुई विटॉ। हाँ स्विंग मशीन सर, मेरा उधर नहीं सिंगर नहीं, स्विंग मशीन पहली दफा वो एक फ्रेंच खातून थी जिसने टांका लगाया था मशीन के साथ। अच्छा, और ये लेकिन वो तो सर वो इन्वेंटर होगी ना, इन्वेंटर होगी, और इन्होंने कहा कि नहीं है वो इन्वेंटर, नहीं है। और वो क्या इन्फॉर्मेशन, अर्ली 19th सेंचुरी है वो। हाँ तो अर्ली 19th सेंचुरी वुड बी बिफोर 1821, तो हमने 200 साल तक हम जा चुके हैं, 150 साल तक है, 150 साल तक है, 150 साल इज 1871 जी, मोर देन 1871 से पीछे, 1871 से पीछे तकरीबन, क्या मतलब ये भी तो डिटरमिन कर लें कि कब 19th सेंचुरी होगी ना, ये जो 200 साल का पूछ रहे हैं तो डिटरमिन हो जाएगा। 200 साल फिर कितना हो गया बिटवीन 1821 एंड 1871? अच्छा जी, 200 साल से ज्यादा हो चुका है इंतकाल को? जी नहीं, 1821 से 1871, 1871 इस दौरान। तो ये सर ये तो आइडियल एज ऑफ इन्वेंशंस थी, बट इन्वेंटर नहीं है, शी इज नॉट एन इन्वेंटर, बट शी मस्ट हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल, शी इज एन इनोवेटर, फर्स्ट टाइम यूसेज, फर्स्ट टाइम यूज, जी फर्स्ट टाइम यूसेज ऑफ मेकअप। तो क्लियोपेट्रा भी करती थी मेकअप, शी इन्वेंटेड मेकअप, वो नहीं हो सकता। कोई एक प्रोडक्ट है शेख साहब जो इनके नाम से आज भी जेनेरिक नेम बन चुका है? जी बिल्कुल ऐसी है। तो इफ यू अलाउ मी, अगर आप कहें तो, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ प्रोडक्ट बट यस इट इज अ जेनेरिक नेम, इट्स अ ब्रांड नेम, कोई चीज जो एक सर्विस, कोई एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड विद द नेम एंड हैज बिकम अ जेनेरिक नेम फॉर दैट। अच्छा, ये प्रोडक्ट है लाइफस्टाइल के लिए सर, नॉट नेसेसरीली अ प्रोडक्ट, मे बी सम सर्विस, मे बी सम इनोवेशन, ईटरी से मुतालिक कोई चीज? नहीं, मुझे मेरे जहन में फर्नीचर आ रहा है क्योंकि कई फर्नीचर पीसेज हैं जो लोगों के नामों पे हैं, ठीक है ना, जैसे ऑटोमन है, ऑटोमन इज अ फर्नीचर पीस, लेकिन उसको ऑटोमन कहते हैं। नहीं लेकिन इधर तो कोई दूर दूर तक कोई चीज ऐसी नहीं है ना, सोचने थे ना, जैसे वो तो फिर जो टेबल पड़ी होती है यूं करके उसको नेपोलियन चेस्ट कहते हैं, जो यूं करके पड़ी होती है, तो वो नेपोलियन इसे, आपको पता नेपोलियन का जो एक अमूमी स्टाइल था वो ये था, हर वक्त यूं तैयार रहता था और उसको नेपोलियन चेस्ट कहते हैं। सवाल कितने हुए? 15 ओह माय गॉड, ना करो, डेंजर जोन में आ चुके हैं। काफी यू नो तुसी इंट्रो हो गया। अच्छा एक मुझे एक सवाल पूछने दे। जी आप चार पूछें सर। इनका ताल्लुक फर्नीचर से था? जी नहीं नहीं। शेख साहब ने ना उन्होंने पर्सनैलिटी भी कंजूसी ना लगी है।
रिस्क मैनेजर है जी, सोच के रिस्क लिया उन्होंने. एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट वी लाइक अबाउट आवर पेटर्न्स आस्किंग क्वेश्चंस. मुश्किलात वो सही क्रिएट करते. नाम खवातीन के साथ एसोसिएटेड है क्योंकि खातून है जिसने इंट्रोड्यूस किया, इनिशिएट किया, तो इसका ताल्लुक खवातीन के साथ है. ये कोई खवातीन का कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट हो या ना हो, उनका कोई इस्तेमाल का प्रोडक्ट हो या ना हो, लेकिन है कोई चीज़ जो औरतों के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है, ये भी हो सकता है कि ईटरी से मुतल्लिक कोई चीज हो. बिल्कुल हो सकता है. ईटरी से क्रोसां. क्रोसां. ठीक है जी, ये बेकरी की तरफ जाएंगे, बेकरी की तरफ जाएंगे, फूड की तरफ, पेस्ट्री केक की तरफ जाएंगे, फ्रेंच फ्राइज. फ्रेंच फ्राइज, बट फ्रेंच फ्राइज आर नॉट फ्रेंच. दे आर नॉट फ्रेंच, दे आर नॉट फ्रेंच, बट एनीथिंग दैट इज फ्रेंच. गदर दे आर एक्चुअली बेल्जियन. यस, दे आर नॉट फ्रेंच. दे आर नॉट फ्रेंच. चेक साहब, ईटरी से ताल्लुक है कोई? जी नहीं. नहीं, बस इनी गल कह के चुप. फ्रेंच नॉट एक होती है, फ्रेंच नॉट, बोटाई, फ्रेंच नॉट, बोटाई, फ्रेंच नॉट, दैट वुड बी वेरी फैशन. ये कोई चीज मेरे दिमाग में ना चल रही है इस तरह की. लाइफस्टाइल, कोई लाइफस्टाइल का ताल्लुक होना चाहिए ना. शिफॉन भी है, बट वो भी ग्रेट फैशन है. शिफॉन इज अ फ्रेंच इन्वेंशन. हैट, कैप, स्टॉकिंग्स फैशन है. नायलॉन, वो तो खैर बहुत बाद में आया है. नायलॉन इज वेरी लेट. लाइक्रा इज वेरी लेट. ये तो बाद में आया ना, ये तो डुपॉन्ट की इजादात है. Shades, 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 shades. Shades. FSJ, shades. Dior, Dior is life fashion. देखें, ये तो pure fashion. और ये fashion कह चुके हैं, no. No. Lifestyle है, fashion नहीं है. Indirectly. Lures से मुतालिक कोई चीज़? Lures भी हो सकता है. Lures से मुतालिक कुछ हो सकता है. Lures जो हैं, वो windows. Not only windows. Construction में आ जाए. Construction में आता है. FSJ, I am heavily depending on you. हाँ, I know, I am trying. याके बुझने. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि it has to be a popular name, it has to be a common name. It is indeed a popular name. Common. वरना शेख साहब ने पूछना था. इसलिए मैं जो ज़ेन में आ रहा है वो पता नहीं फ्रेंच औरत ने किया था जो एक स्टाइल है. नहीं सर, वो नाम, वो तो खातून का नाम जो है ना, खातून का उसमें नाम है. हाँ, उसी के हिसाब से है. खातून का नाम वो विंडोज़ में नहीं है. कोई होम अप्लायंसेस में देखिए, कोई प्रोडक्ट्स में देखिए, कोई अप्लायंसेस में, किचन के चीज़ें उसको देखें, किचन में क्या है, किचन में कौन सी चीज़ है. बिकॉज फ्रेंच वर वेरी फेमस फॉर क्यूज़ीन आल्सो. बट वो कह रहे हैं ईटरी से नहीं है. वो कह रहे हैं नहीं है ईटरी. ईटरी नहीं है ना, इसका मतलब क्रोइसॉ नहीं है, कोई कपकेक नहीं है, केक नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, कुछ भी नहीं है. ये नहीं है, लेकिन something to do with the kitchen, maybe an appliance, maybe or a kind of pot, maybe the kettle, pressure cooker, pressure cooker, pressure cooker, pressure cooker ki taraf aaiye. fork was used for the first time. Ha, it's generic with her name, with her name. Fork. Isn't this hasiya Sheikh saab ke chehre pe scissors. Fork to kisi aur wajah se usko kehte hain. He's happy, tough time dekhe. Naam nahi hai. French fork. आपसे उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने काम किया वो एक नौयत का पहली दफा था. जी बिल्कुल ऐसी. सर हमें पहुंचना चाहिए, ये क्या बात हुई? शेख साहब आपको कुछ जल्दी तो नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं. दिस द फर्स्ट थिंग आई लाइक मोस्ट इन यू. टेक योर टाइम. क्या कहना, अदरवाइज तो आपने हमारे लिए मुश्किलात ही पैदा की हैं. फ्रेंच बैन कर दीजिए अगली दफा. और बैंकर्स बैन कर. बैंकर्स भी बैन कर दें. ए बाजी जड़ी ना, ए समझा के देइयो शेख साहब. शेख साहब एक और एक पर्सनल सा आपसे मुतालिक क्वेश्चन है, क्योंकि आप हमारे मौजूद मेहमान हैं आज. आपकी एलिया, इज शी अ वर्किंग वुमन? शी इज. इज शी अ डॉक्टर? नो, शी इज नॉट.
तो क्या करती हैं? एजुकेशन सेक्टर से. आई थॉट सो एजुकेशन. जो आपकी वो है ब्रेल सिस्टम. ब्रेल इज ऑल्सो इटालियन नॉट फ्रेंच. पक्की बात? आई थिंक सो. नहीं सर, आई थिंक इट इज फ्रेंच. लाइफ स्टाइल इनडायरेक्टली. ब्रेल सिस्टम लाइफ स्टाइल इनडायरेक्टली. वो टेक्निक है. तुम्हें तो पता है ना ब्रेल सिस्टम का, ये नाबीनाओं के जो पढ़ने का स्टाइल है, जो लाइफस्टाइल से इनडायरेक्ट ताल्लुक है. नहीं नहीं नहीं, ये ब्रेल सिस्टम पे आके मैं रुक गया हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि दिस वाज अ लेडी. और ये तो फिर मुझे दोगी ना. ये तो इजाद है, ब्रेल सिस्टम तो इजाद है. और इन्होंने कहा कि मुझे नहीं थी. ब्रेल से निकले सर? निकल गए. इससे मिलती जुलती कोई चीज है. 17 सवाल. 17 सवाल हुए अभी. अभी 3 questions हमारे पास हैं, एंड वी आर नो वेयर नियर. एक सेकंड जी, उसमें आते हैं. हमने किचन का भी बात नहीं पूछी. सर किचन की जरूर पूछिए, टॉयलेट की जरूर पूछिए, लेकिन जहन में लाइए कि क्या चीजें ये है, डे टू डे इस्तेमाल की चीजें हैं. एक फ्रेंच इन्वेंशन बिदे है. नहीं सर, नहीं, ऐसी चीज ना करें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करे. कि कोई अंदाज नहाने का, खाने का, धोने का, मरने का, कोई चीज भी, कोई एक नया अंदाज है, कोई एक स्टाइल है जो पहले से मौजूद था. सर ये जो लेंस है, आईज कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट लेंस में भी खवातीन ये, अब मुझे ये नहीं पता कि वो इटालियन थी या फ्रेंच थी. इसमें है नाम सर, इनमें भी कॉन्टैक्ट लेंस. एक चीज ज़हन में रखिए, पहले से होता आया था तो स्पेक्स पहले होंगे ना. स्पेक्स पहले थे उसने. बट कॉन्टैक्ट लेंस इज वेरी लेट. वो तो इजाद है, बिल्कुल नई इजाद है. 200 साल पहले कहां से आ गया कॉन्टैक्ट लेंस? 200 साल पहले की बात है. लाइफस्टाइल इज देयर मेरे के. लाइफस्टाइल व्हिच मींस रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है. कटलरी कोई नाम नहीं, कोई कुछ भी नहीं. प्रेशर कुकर मेरा ध्यान जा रहा है. प्रेशर कुकर को क्या किया मुझे नहीं पता. कोई कैटल से होती आई, उसमें इनोवेशन की. अगर प्रेशर में कुक किया, स्टीम में कुक किया, बेसिकली प्रेशर कुकिंग मींस कि आप स्टीम को एस्केप नहीं होने देते. जी जी, स्टीम में कुक किया आपने. प्रेशर कुकर का बात है तो हमारा अफगानिस्तान में एक बंदे ने इसके अंदर बम पाड़ा था. हाँ नहीं, प्रेशर कुकर में बड़ा अच्छा बॉम्ब इंस्टॉल किया जा सकता है. 200 पुराना आ गया सी, उन्हें गुस्से च बम पा के चला. प्रेशर कुकर खुद एक बॉम्ब है. खुद एक बॉम्ब, वो खुद ही फट जाता. एक जमाने में होता था. शेख साहब, ये खातून होम अप्लायंसेस में कोई मॉडिफिकेशन की वजह से जानी जाती हैं? जी बिल्कुल भी नहीं. नाउ शेख साहब इज एंजॉयिंग इट. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल भी नहीं. और बाजी दी विक्ट्री वाली स्माइल. हाय विक्ट्री वाली. 18 सवाल. तो सर मेडिसिन में आई है? नहीं, मेडिसिन में तो इनडायरेक्ट ताल्लुक है. ये ओल्डेस्ट फ्रेंच मेक्स कौन से हैं आपके जहन में? ये है सवाल, ये इंटरेस्टिंग सवाल. ओल्डेस्ट मेक्स जो आज से 200 साल पहले का मेक, जैसे वेजवुड चलता आ रहा है ना बर्तानवी, उसी तरह ही प्रोडक्ट. प्रोडक्ट ना एरिया पे आए कि प्रोडक्ट किस चीज का है. कोई स्टिचिंग से मुतालिक, फैशन, वो फैशन में आ जाता है. प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग. ना 14th-15th century. जी बहुत पुरानी. नहीं नहीं, प्रिंटिंग का कोई नया अंदाज, कोई नया स्टाइल. लास्ट 5 minutes थी, 5 minutes के अंदर अंदर कर लें वरना. ओके, वी हैव टू सबमिट. टाइम बिगिंस नाउ. माय लाइफ विल बी वेरी सैड इफ आई सबमिट टू अ बैंकर. मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं. तो फिर बदला ले रहे हैं आप? ले लिया उन्होंने बदला आज. इन्होंने मेरी ट्वीट्स पढ़ ली होंगी हबीब बैंक के बारे में. कल तो मैं आपके देख रही थी. मेरा एक इंतहाई पढ़ा लिखा दोस्त मुझे टेक्स्ट कर कह रहा है, यार मुझे किसी से पूछ के बताओ क्या तरीका है, मैं अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद करवाना चाहता हूँ. ये बैंकर से पूछो, अपने बैंक से पूछो, ये तो वो नहीं बताते. लाइफस्टाइल के साथ इनडायरेक्ट ताल्लुक है. नाम, फेमस नेम, प्रोडक्ट, ब्रांड, टेक्निक है. पैरासॉल, पैरासॉल नहीं, उस वक्त बड़ा वो था. पैरासॉल इज लाइक योर अम्ब्रेला, बट अ वुमन्स अम्ब्रेला. उस वक्त
वो जो है ना प्रोमेनाड्स और ये बड़ी चीज़ें थी। पैरासोल जो है, पैरासोल इज लाइफ स्टाइल, इन्वेंशन नहीं है। हाँ इन्वेंशन नहीं है, नहीं बट अम्ब्रेलास वर देयर बिफोर दैट ऑल्सो, अम्ब्रेलास होते थे, औरतों के लिए नए डिज़ाइन हुए थे। कोई चीज़ ये ज़रूर है कि ख़वातीन के लिए सहूलत, हाँ हाँ ये उसमें आ रहा है, बार बार मेरा ध्यान उधर जा रहा है कि ख़वातीन की। अच्छा जी, दिस प्रोडक्ट इज ओनली यूज बाय वेमेन? नो नो, एज वी टॉक बिफोर इट्स नॉट अ प्रोडक्ट। अच्छा ओके, नॉट अ प्रोडक्ट, यू जस्ट वेस्टेड। आई नो आई नो आई नो, नहीं मेरा मतलब एक प्रोडक्ट से मेरा ये भी मुराद है ना कि एनी टेक्निक और एनीथिंग व्हिच इज स्पेसिफिक टू वेमेन, वो नहीं है। आखिरी सवाल और 3 मिनट, कॉस्मेटिक एनहांसमेंट की तरफ आ सकते हैं लेकिन नाम कोई नहीं आ रहा ज़हन में। ये कोई है ऐसी चीज, लेकिन वो फिर मुझे धोती सर, जैसे ब्रेसेस हैं, वो तो डेंटिस्ट्री के साथ इजाद है, डेंटिस्ट्री के साथ सारी की सारी इजादात हैं, तो वो इजादात नहीं, ये इजाद नहीं है, ये इनोवेशन है, मॉडिफिकेशन है। घरों के अंदर, घर में कुछ दरवाजे के अंदर कोई हैंडल, कोई लॉक्स भी हैं, लॉक्स वो तो पैड लॉक्स होते थे, फिर इंटरनल लॉक्स ज्यादातर मर्दों ने इजाद किए। जी 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 जी, औरत ने नहीं। लॉक स्मिथ कोई भी मशहूर औरत कोई नहीं है, गन स्मिथ कोई मशहूर औरत नहीं है, गोल्ड स्मिथ इवन कोई मशहूर औरत नहीं है, आयरन स्मिथ कोई औरत नहीं है, सिल्वर में भी ज्यादातर ब्रिटिश ने काम किया है। जी 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 जी, नहीं सर, क्रिस्टल, क्रिस्टल क्रिस्टल इज नॉट अ चीज, क्रिस्टल क्रिस्टल तो बहुत पुराना है, ग्लास मेकिंग इज वेरी ओल्ड, क्रिस्टल इज नॉट दैट ओल्ड। क्रिस्टल तो उसको टेक्निक की वजह से कहते हैं ना, वो ग्लास मेकिंग इज ओल्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने नहीं पूछा, नहीं है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ही नहीं, हमने पूछ लिया वो, मतलब नहीं पूछा, नहीं पूछा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूछ ले पूछ ले, नहीं पूछा नहीं। दिस इज गोइंग टू मेक अस वेरी सैड FSJ, आई नो, आई एम पर्टिकुलरली सैड, वेरी ऑब्वियस, आई एम पर्टिकुलरली सैड, द पर्सन इज वेरी ऑब्वियस एंड वी आर लूजिंग कंट्रोल बाय द डे। सर्टेन एरियाज आर आवर स्ट्रेंथ एंड सर्टेन एरियाज आर वीकनेस, ये हमारे जो है ना ऑडियंस जो है भांप गई है वीकनेसेस। दे आर स्मार्ट, आंसर का स्टाइल भी आपने देखा, थोड़ा सोच के पॉज लेके टाइम्स अप। आखिरी सवाल, नाम ही लेना ही, हमने एक क्वेश्चन भी है, सवाल है, एक क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन, मेडिसिन के साथ कोई ताल्लुक है शेख साहब? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, वी डोंट नो, कोई शक ही ना रहे ना, हम तो करीब से नजदीक भी नहीं आए, नजदीक भी नहीं आए। अच्छा जी, वी यील्ड, आप बता दीजिए, बताइए। शी इज मैरी टुसाद, आल्सो नोन एज मदाम टुसाद, मदाम टुसाद, जबरदस्त जबरदस्त। ब्रिटिश के साथ एसोसिएट कर, एक्सीलेंट शेख साहब, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड पर्सनालिटी। स्कल्पचर्स पहले से थे, वैक्स स्कल्पचर्स, सही सही, स्कल्पिंग पहले से थी, वैक्स की स्कल्पचर्स, बिल्कुल ठीक। बट वो इज राइट बिकॉज़ मैडम टुसाड्स इज इन लंदन, मैडम टुसाड्स को लंदन के साथ द मोस्ट वेल नोन इज मैडम टुसाड्स। ये सब कह रहे हैं मैं खुशियां दे नाम है उन्हें मिल रहे हैं ऐसे कर क्या, ही डिजर्व्स, ही डिजर्व्स, वेरी गुड, वेरी गुड। अब लोग वापस कब जा रहे हैं? बात सुनो जी भाई, इनका घर खाली करो भाई, जा रहा पैसे दे रहा हूं मैं, हां पैसे वापस कर देंगे ना, तो एडवांस दिया हुआ इसने, कोई एडवांस नहीं देता, और एक ही ने खा गया पैसे, उतरा ना हो थे, मैं आ जाना अपनी आई दे होते हूं, तो दस तेरी बात सुने, देखें मैं पैसे वापस करता हूं, इन्हें कहें जी प्लीज मेरा घर छोड़ दे, चले जी पैसे वापस करें, मेरा घर वापस करके उन्हें सारा तजाब ना तो आओ, बस मेनू और कुछ नहीं चाहिए, मैं कब्जा मेरा ये कैसे छुड़वाएगा, मैं तुम दस दी कि तू किस मर्जी दुआएं भाई, कानून का सहारा लेकर भाई जान, आपने सुना नहीं है क्या, पोजिशन इज 90% अपला, ये किसी वकील से कंसल्ट कर बैठा है, हमेशा करते हैं। अच्छा ये बात, ये गलत बात है, ये बात याद रखना, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है,
हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि लेने के देने पड़ जाए। खान साहब एक सिंपल सा काम करें, उनके जी मैं आपका घर पेंट करवा देता हूँ। नोबल प्राइज मिलना लित्र फिजिक्स किसमें लित्र फिजिक्स